अज्ञानते निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु परम ब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान हम सबके इष्ट गुरुदेव सद्गुरु श्री त्रिकमदास जी साहेब की यह वर्षी समारोह के निमित्त आज आप और हम सब मिलकर यहां पर इस पावन प्रांगण में आनंद और हर्ष का विषय तो है ही, क्योंकि हम जिस भूमि पर बैठे हैं वो उनके अनन्य भक्त सद्गुरु त्रिकमदास जी साहेब के ही परम लाडले शिष्य श्री लालदास जी साहेब की ये पावन भूमि, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भूमि पर खपाया। कईयों के मन में जो नए पहली बार इस आश्रम से जुड़े हैं, क्योंकि हर वर्ष कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होने के पश्चात वहां से भक्तों का जुड़ाव तखतगढ़ आश्रम से होता है। आप सब लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस पावन भूमि पर त्रिकमदास जी महाराज जिनकी यह बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं, उनके अनन्य शिष्य थे लालदास जी महाराज और एक शिष्य थे हीरादास जी महाराज, जिनके भी बहुत सारे भक्त यहां पर हैं। हीरादास जी महाराज को कवराड़ा आश्रम प्राप्त हुआ और लालदास जी महाराज ने त्रिकमदास जी की इस परंपरा को सुशोभित किया। आज उन्हीं लालदास जी महाराज जी के साहेब के यह पावन भूमि पर तखतगढ़ आते ही उन्होंने इस भूमि को रखा। यहां पर उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तपस्या से साल में एक बार आने वाले इन सभी भक्तों के लिए कई प्रकार से कृषि का कार्य भी किया, खेती बाड़ी भी की उन्होंने, क्योंकि उस समय में भक्त आते थे दूर दूर से, तो इसी भूमि पे निपजा हुआ अन्न, उससे बना हुआ प्रसाद आप लोगों को मिलता रहा। और मैं आपको बता दूं कि आज भी अगर यहाँ प्रसादी बनती है तो इस भूमि से निपजे हुए अन्न का थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ही सही, लेकिन एक अंश तो आपको प्राप्त होता ही है। और जो प्रसादी आप ले रहे हैं वो त्रिकमदास जी बाप जी का हम पर आशीर्वाद और लालदास जी का संघर्ष, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी निष्ठा में हम सभी यहां प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए इन दो महापुरुषों की इस पावन भूमि को इतने बड़े बड़े संतों ने आज यहां पधार करके सुशोभित किया है। सबसे पहले इन संत महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। हमारे मध्य में जोधपुर माता का थान में सदगुरु गुलाबदास जी महाराज श्री का आश्रम उनके नाम से आपने स्थापित किया, ऐसे सदगुरु गुलाबदास सेवा आश्रम के संस्थापक वर्तमान महंत श्री राम प्रकाश जी महाराज हमारे मध्य में जोर करते हैं। उनको ये थोड़ा ये तामझाम माइक वाला कम पसंद आता है, उन्होंने कहा ये मेरे से सुना नहीं जाता, मैं थोड़ा देर लालदास जी महाराज जी का ये जो खेत है इसका दो चार राउंड निकाल के आता हूँ, जब तक मैं दो चार बार घूमूंगा नहीं तब तक आनंद नहीं ले पाऊंगा। तब वो यहाँ से पधारे और कहा कि मैं दो चार बार निरीक्षण करके आऊंगा। बाप जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ साधना की और मुझे वो साधना का कोई अंश प्राप्त हो जाए, ऐसे भाव से वो अभी विचरण करने निकले हैं रात्रि में, या फिर अगर पधार गए तो उनसे भी सत्संग हम श्रवण करेंगे। ऐसे
श्री श्याम जी महाराज जो नागौर से पधारे हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत सम्मान करें। हमारे मध्य जहां तक मैं देख पा रहा हूं, पिछले 19 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, 19 सालों से लगातार एक भी कार्यक्रम जिन्होंने नहीं छोड़ा और हम पर कृपा करी, हर बार पधारते हैं, ऐसे पूज्य महंत श्री तुलसीदास जी साहेब हमारे मध्य पधारे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करिए। ऐसे ही हमारे गोविंद राम जी महाराज श्री पधारे हैं और नागौर से पधारे हैं। तखतगढ़ आश्रम की परंपरा में भी कई संत महात्मा दीक्षित हो रहे हैं, कई चौथी अवस्था में कि भाई हमने जीवन जी लिया, गृहस्थ आश्रम जी लिया, वानप्रस्थ आश्रम जी लिया, अब चौथा आश्रम तो संन्यास आश्रम होता है। तो उसी पद्धति पे चलने वाले तखतगढ़ आश्रम के एक अन्य भक्तों में से हमारे नया नाम तो क्या कुछ दिया है आयदान जी, तो है कुछ नया नाम रखना चाहिए इनका, भाई भगत की चादर उड़ाई है तो भगत की चादर में भी नाम बदलना पड़ेगा। इनका नाम आज शाम को मैं ढूंढ करके नया घोषित करूंगा। तो ऐसे बाबा जी को भी जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए, इनके लिए डबल तालियां होनी चाहिए। पूरा जीवन जिया है इन्होंने और अंत में सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, घर पर ही रहते हैं लेकिन भजन करते हैं और तखतगढ़ आश्रम के संतों की श्रेणी में आप भी अब पधार चुके हैं। ऐसे हमारे भगत राज जी, आज शाम को इनका नामकरण संस्कार भी किया जाएगा, इनका नया नाम रखा जाएगा, क्योंकि एक नाम बहुत चल गया, जो भक्तों का नाम था वो तो ठाई, अब इनको महाराज वाली श्रेणी में लिया जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हम लोगों ने बड़े प्रेम से धूमधाम के साथ में, गाजे बाजे के साथ में तखतगढ़ आश्रम से हम लोग यहाँ पर हर साल शोभा यात्रा लेकर के आते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कि वहां पर स्थान तो त्रिकमदास जी बाप जी का वो है, सत्संग भी वही होना चाहिए, बरसी भी वही होनी चाहिए, लेकिन यहां होने का कारण यह है कि दो गुरु चेलों के बीच में दूरियां आ रही थी, अब उस दूरी को मिटाने का कोई तो रास्ता ढूंढना था। बाप जी का आदेश हुआ कि भाई मेरी जोत ले जा करके तुम चेले के यहां रख देना तो मेरी बरसी वही हो जाएगी। तो वहां से हर साल हम जोत लेके आते हैं और लालदास जी बाप जी के यहाँ पर वो जोत प्रकाशित करते हैं, अखंड जोत चलती रहती है और यहाँ पर हेम त्रिकमदास जी बाप जी का दिव्य बरसी महोत्सव मनाते हैं। आप सभी भक्त लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने इस बार तखतगढ़ आश्रम में एक नवीनता देखी होगी। पिछले 100 सालों में पहली बार तखतगढ़ आश्रम का नया रूप आप लोग देखने जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम के कारण वो आधा ही हुआ है, आधा बाकी है, आधा आधा हिस्सा तो अभी बन गया है, आधा अभी बनना है। और आने वाले समय में अगले वर्ष आएंगे तब हम चाहते हैं कि वो जो हॉल जहां आप बैठे थे वो पूरा एक हो जाए और एक होकर के डबल भी हो जाए, ऐसा हमारा भाव है। आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रेम से आनंद लेते जाएंगे तो सब कुछ होता जाएगा। यह नवीनता परिवर्तन ही संसार का नियम है, जगतगुरु शंकराचार्य जी के वचन है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा संसार में व्यक्ति जी नहीं सकता, ये तो घटना है, हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। सज्जनों आप सब लोग यहां पर पधारे, मन में एक उद्देश्य लेकर के पधारे, एक भाव लेकर के। अभी मैं विदेश में हो आया था, वहां पे फ्रांस के अंदर 18 कोर्स होते हैं, यानी 18 बार में भोजन करते हैं, कितनी बार, 18 टाइम्स। अब वो पता नहीं क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर ये खाया, थोड़ी देर वो खाया, मन के भाव है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार दिन में 3 बार 4 बार भोजन करता है, तब विचार करो यह जीवात्मा बार बार जिस चीज की प्यासी है वो है हमारे सदगुरु के दर्शन। अब उन दर्शन के लिए हम साल में कितना समय निकाल पाते हैं, विचार करने योग्य बात है। हम सभी लोगों को साल में 2 बार मौके मिलते हैं, एक बार तो गुरु पूर्णिमा पर पधारते हैं और एक बार आते हैं कार्तिक पूर्णिमा। जिनके दर्श से सकल अगना से जीते पांचों और मनम, नमो नमो गुरु तुम शरणम। जिनके दर्शन मात्र से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, जीते पांचों और मनम, जिनके सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्र से हमारे 5 इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, मतलब जो मिलेंगे जो दिखेंगे
तो हम नियंत्रित हो जाएंगे, हमारा शब्द हमारी बोली नियंत्रित हो जाएगी, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। जिनके दर्शन करेंगे और वहां बैठकर सत्संग सुनेंगे तो हमारे कर्ण पवित्र हो जाएंगे, जिनके चरणों को छुएंगे तो चरण छुवत गति मति सब पलटे। जिनके चरणों को छूने मात्र से हमारी गति मति सब पलट जाती है। कई प्रकार के विकार लेकर के हम आते हैं, कई भाव मन में होते हैं। कई लोग यहां बैठे हैं, क्या है आपके अंदर, कितना कितना आप श्रम दान कर सकते हो यहां पर। अपने मारवाड़ में तो कहावत है कि है जे राम जी मिले तो माने की जो, माता हटे मिले तो अड़ गई। यहां तो सब सरलता से भक्ति करना चाहते हैं, यहां पर कोई श्रम नहीं करना चाहता, कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। घर बैठे बैठे ही अगर त्रिकमदास जी बाप जी पहुंच जाए आशीर्वाद दे दे तो यहां आने की जरूरत नहीं। ऐसा भाव लेकर के मत आना बंधु, यहां आओ तो विनम्र बनो, यहां आओ तो जितनी बार वहां जाकर के शीश झुका सको झुका दो। यहां इतने बड़े संत महापुरुष पधारे हैं, इनके सत्संग का, इनके इनके भजनों का, इनके प्रवचन का, इनके दिव्य उद्बोधन का जितना रसास्वादन कर सकते हो कर लेना बंधुओं, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आना। हमारे संत कहते हैं ना, उठ जाग अब रैन कहां जो सोबत है, उठ जाग मुसाफिर बोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो अरे हिली मारी आयोड़ा संतारा लीजे मारी आयोड़ा संतारा लीजे मारना, मारी आयोड़ा संतारा लीजे मारना, मारी आयोड़ा लीजे मारना। जासो बड़े तिहारो मान, जासो बड़े तिहारो मान, जासो बड़े बुरा करो मान, जासो बड़े बुरा करो मान, मारिए लिए आयोड़ा साधारा लीजे बारना, मारी आयोड़ा संतारा लीजे बारना। Thank you.
पर जब भी पधारते हैं, आप लोगों ने देखा होगा संतों का स्वागत बड़े धूमधाम से होता है। आज भी पधारे तो हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली संतों के स्वागत के अंदर। अरे मीराबाई जी की तरफ भाव हमें अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। हमें अपना भाव ऐसा बनाना है जैसे मीराबाई जी ने बनाया था। जब भी संत आती थी वो एक ही बात संतों से पूछती थी, क्या कहती थी? अरे अंगनिये बिराजो, अंगनिये बिराजो, अंगनिये बिराजो, अंगनिये बिराजो, अंगनिये बिराजो, अंगनिये बिराजो। पांच मोहर की जोशी दक्षिणा दे राय देऊ, पांच मोहर की जोशी दक्षिणा दे राय हीरा तू जड़े तू थारी पोथी रे, हीरा तू जड़े तू थारी पोथी रे। अर्जुना जोशी हरि से मिलन कर होसी रे, ओ मार अर्जुना जोशी हरि से मिलन कर होसी रे। Hey!